case, what will be the action of litmus paper on the following substance? Lemon juice. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पूछा गया है कि लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट होगा अगर हम उसे ट्रीट करें लेमन जूस के साथ। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस एक इंडिकेटर है। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर। और इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब एसिड या बेस के साथ ट्रीट किया जाए, हम लिख लेते हैं व्हेन ट्रीटेड विद एसिड और अ बेस, तो इनमें चेंज आता है। और वो चेंज क्या हो सकता है? इट कैन बी अ चेंज इन कलर, राइट, और इट कैन बी अ चेंज इन द ओडोर। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके कलर में भी चेंज आ सकता है और उनके ओडोर में भी चेंज आ सकता है। अब लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है कि जब उसको हम एसिड या बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है? चेंज इन कलर, अकॉर्डिंग टू कि हम उसको एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं या बेस के साथ कर रहे हैं, राइट। तो जो लिटमस होता है उसको हम दो तरह से यूज करते हैं। वन इज रेड लिटमस एंड द अदर इज ब्लू लिटमस। तो एक हमारे पास रेड लिटमस होता है और एक हमारे पास ब्लू लिटमस होता है। अब एसिड और बेस का रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पे अलग अलग इफेक्ट रहता है। अब जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनका इफेक्ट क्या रहता है, दैट दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, राइट। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेसिस रेड लिटमस का कलर किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू। लेकिन अगर आप एसिड को रेड लिटमस के साथ ट्रीट करोगे तो एसिड का रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, उनका इफेक्ट सिर्फ किस पे होता है? ब्लू लिटमस पे। सिमिलरली अगर आप बेस को ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करोगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था लेमन जूस। हमें पता है कि अगर हम लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये एसिड है, सो ऑब्वियसली जब उसको हम लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे सो इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस का कलर किसमें चेंज कर देगा? रेड। सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ लिटमस विद लेमन जूस इज दैट इट टर्न्स, लिख लेते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। वो ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज कर देता है क्योंकि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन इट। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन। थैंक यू।